कोरोना महामारी में कई घरों से जनाजे उठे तो कई लोग काल का ग्रास बन गए, मगर फिर भी लोग बेखौफ सड़कों पर गली मोहल्लों में तफरी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों को समझाइश देने जब भोपाल डीआईजी सड़कों पर उतरे तो लोगों की भीड़ देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। ना ही लोगों में कोरोना का खौफ है, ना ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों की चिंता। ये भीड़ भरे नजारे देखकर भोपाल के डीआईजी इरशाद वली का गुस्सा माइक पर साफ सुनाई दे रहा है। भोपाल के पुराने शहर के काजी कैंप की सड़कों पर डीआईजी इरशाद वली पैदल ही चल पड़े और फिर क्या था, बेशर्मी से बेवजह सड़कों पर घरों से बाहर लोगों को देखकर माइक पकड़ लिया और बड़े ही सख्त लहजे में लोगों को समझाइश दे डाली। डीआईजी इरशाद वली बोले, बार बार अनाउंस करके एक एक गली में जाकर समझाना होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग मरेंगे आपकी घटिया हरकतों की वजह से। शर्म हया सब पेच खाई है क्या बेवकूफों ने? बार बार अनाउंस करने के बाद एक एक गली में जाकर समझाना होगा कि आपकी जो है बड़े बुजुर्ग मरेंगे आपकी घटिया हरकतों की वजह से, शर्म नहीं आती क्या? बार 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 समझाओ और बार बार इस गली को सही जाना और बेशर्मों की तरह बोलना, तो शर्म है और बेशर्मी सब सर एक खाई का बेवकूफ है। बार बार बोलो, बार बार समझाओ कि साहब तुम्हारे घर वाले ही मरते हैं, तुम्हारे घर वालों में जैसे ऐसी बेशर्मी का डाल दो, तुम्हारे घर वाले मरे वहाँ पे जाएंगे, बड़े बुजुर्ग मरेंगे, बीमारी फैली नहीं है लेकिन अकल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घटिया पता करना है, घटिया मजे से बात नहीं आना। तो सुना आपने, डीआईजी इरशाद वली बड़े बुजुर्गों की चिंता भी कर रहे हैं और कोरोना में सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर का पालन भी करा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले महीने से पूरे शहर में लॉकडाउन है, पुलिस दिन रात सड़कों पर उतरी हुई है सिर्फ एक वजह से कि शहर के लोग कोरोना की चपेट में ना आए। पुलिस सख्ती करती है तो कभी प्यार से समझाती है, कभी कार्यवाही भी करती है, दिन रात अनाउंसमेंट भी करवा रही है, लेकिन तमाम मौतों के बाद भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है और बेवजह ही सड़कों पर तफरी के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में डीआईजी इरशाद वली का यू सख्त होना लाजमी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।